आज हम आए हुए हैं मोहनपुर ओलानी गांव में, जो तहसील खटीमा और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में पड़ता है, जहां पर हमारे किसान भाई मिस्टर देवेंद्र वर्मा जी ने अपने धान के प्लॉट में K20 का प्रयोग किया था, जो कि बिल्कुल एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इन्होंने गबोटे के समय में, जिस समय बालियां नहीं निकली थी, बाली निकलते हुए समय इन्होंने K20 का प्रयोग किया था। तो भाई साहब, आप थोड़ा सा बताइए, कौन से प्लॉट की जो बालियां है जिसमें K20 का प्रयोग हुआ था और जिसमें नहीं हुआ था, जरा दिखाइए बालियों को। ये जो बालियां हैं, ये K20 के प्रयोग वाली हैं। ये सामने प्लॉट है, इस प्लॉट की बालियां हैं। इसमें जब हमने K20 डाला है तो इसमें हमें बाली में कुछ चमक ज़्यादा मिली है, और जो है इसका कुछ वजन भी और बालियों से बेहतर है। अच्छा, ये कितनी बालियां हैं? ये लगभग हमने 5 बालियां तोड़ी हैं। अच्छा, ये जो इस वाले प्लॉट में जहां पर K20 नहीं डाला था, ये उस वाले प्लॉट की बालियां हैं, ये भी 5 बालियां हैं, राइट? जी। तो जरा हम इसको क्या कहेंगे कि जरा इसका वजन भी तोल के हम देखेंगे कि इसका वजन कितना आ रहा है। दोनों प्लॉटों की जो बालियां हैं, उस बालियों में कितना वजन आ रहा है, जरा हम चेक करेंगे। जिस वाले प्लॉट में K20 का प्रयोग हुआ था, उस वाले प्लॉट का बालियों का वजन हम जरा देखते हैं, 36 ग्राम। अच्छा, इसको उठाइए, और जिस वाले प्लॉट में K20 का प्रयोग नहीं हुआ, उसकी 5 वाली को भी नाप कर देखते हैं। इस वाले प्लॉट की बालियों का वजन है 32 ग्राम। ठीक है जी, आप इस वाले प्रोडक्ट से संतुष्ट हैं? जी जी। अच्छा, तो हमारे जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर भी एक मौजूद है, जो रॉयल फर्टिलाइजर ओलानी के ऑनर मिस्टर हरदीप सिंह राजू जी हैं, जरा हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि इस प्रोडक्ट के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे और उनको कैसा तजुर्बा लगा है। बाली में चमक है, पेनिकल ब्लास्ट की भी हम जहाँ तक देख रहे हैं उसका इश्यू भी इतना ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा है। दाने ठोस हैं, मैंने एक सिंगल बाली का वेट भी किया था, वो 11 ग्राम निकली थी एक, और इसमें सारी बालियों को अलग अलग चेक किया तो 6-7 ग्राम से ज़्यादा का वजन नहीं निकला। वो बेहतर प्रोडक्ट है मेरी नज़र में तो, और मुझे लगता है यील्ड इसमें कम से कम 3-4 क्विंटल बढ़नी चाहिए इस प्रोडक्ट के यूज़ करने से। भाई साहब का कहना है कि जिस वाले प्लॉट में K20 का प्रयोग हुआ है, उसमें कम से कम यील्ड में 3-4 क्विंटल का फर्क आना चाहिए।